था जो अंग्रेजों से कभी डरते थे, घबराते थे। उन भारतवासियों ने अंग्रेजों को कत्लेआम कर दिया था जो चींटी को भी मारते नहीं, जो जानवरों को भी मारते नहीं, जीव जंतुओं को मारते नहीं। वो भारतवासी इतने गुस्से में और क्रोध में थे कि अंग्रेजों को कत्ल कर दिया। अंग्रेज बच नहीं पाए, मारे गए। दो तीन अंग्रेज बच गए उस क्रांति में और वो भागकर लंदन चले गए। तो उनको पूछा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि तुम जिंदा कैसे बचे, बाकी तो कोई बच के नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि हम जिंदा ऐसे बचे कि हमने अपने शरीर पर काला रंग लगा लिया था और हम ऐसे ही दिखते थे जैसे भारतवासी, उसमें हम बच गए। भारतवासियों ने यह सोचा कि ये भी हमारे ही जैसा काला आदमी है, इसलिए छोड़ दिया हमको। तो दो तीन अंग्रेज छूटकर भाग गए। उन अंग्रेजों से पूरी कहानी सुनी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने और पूछा कि क्या क्या हुआ। तो उन्होंने विस्तार से बताया कि 350 से ज्यादा स्थानों पर भारत में ये क्रांति हुई, 4.5 करोड़ से ज्यादा भारतवासी इस क्रांति की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, करोड़ों करोड़ों भारतवासियों ने तलवारों का इस्तेमाल किया, हसीये का इस्तेमाल किया, चाकू का इस्तेमाल किया, बंदूकों का इस्तेमाल किया अंग्रेजों के खिलाफ। और ये पूरी क्रांति सशस्त्र क्रांति थी, हिंसक क्रांति थी अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों को कल्पना नहीं थी कि भारत में इतना बड़ा विद्रोह हो सकता है उनके खिलाफ। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो अंग्रेज बचकर जिंदा पहुंचे उनसे पूछा गया कि इस क्रांति का मुख्य कारण बताओ। तो उन अंग्रेजों ने कहा कि हमने भारत में जो लूट मचाई वो सबसे बड़ा कारण, भारतवासियों की लूट हमने की और ये भारत को सोने की चिड़िया के देश से गरीब और भुखमरी वाला देश हमने बना दिया, ये पहला कारण। और अंग्रेजों ने कितनी लूटमार की है इस देश में उसका अंदाजा लगाना चाहें तो एक अंग्रेज अधिकारी के डायरी के पन्ने का एक वाक्य सुनाता हूं आपको। एक अंग्रेज था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। वो बंगाल में आया था, 1757 में उसने प्लासी का युद्ध लड़ा था। युद्ध के बाद वो बंगाल का राजा बन गया था, आप जानते हैं, मीर जाफर की मदद से। और राजा बनने के बाद उसने बंगाल को लूटा था। तो कलकत्ता के कुछ मोहल्ले उसने लूटे थे और उनका धन लंदन लेके गया था। 7 साल उसने कलकत्ता को लूटा था। तो रॉबर्ट क्लाइव को ये पूछा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बार कि तुम भारत से क्या लूट कर लाए। तो उसने कहा, भारत से नहीं लूट कर लाया, भारत के एक राज्य के एक शहर के एक छोटे से इलाके से कुछ लूट कर लाया। उसने अपना स्टेटमेंट क्लैरिफाई किया, उसने कहा कि पूरे भारत से लूट कर लाने के लिए तो 1000 साल लगेंगे, इतना धन और संपत्ति भारत में है। मैं तो भारत के एक राज्य के एक शहर के एक छोटे से इलाके से कुछ लूट कर लाया। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्राइम मिनिस्टर पूछता, क्या लूट कर लाए तुम? तो उसने कहा, सोने के कुछ सिक्के, चांदी के कुछ सिक्के, हीरे जवाहरात, मोती, पन्ना, माणिक, ये सब लूट के लाया। कितना लेके आए? तो उसने कहा, मालूम नहीं है कितना लेके आए, फिर भी अंदाजा बताओ। तो उसने कहा, मैंने गिना नहीं है अभी तक कितना लाया, तो रफ एस्टीमेट बताओ, कुछ मूल मोटा मोटा आकलन बताओ। तब उसने जो उत्तर दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो मैं आपको सुनाता हूं। वो कहता है कि कलकत्ता शहर की संपत्ति को लूटकर लंदन लाने के लिए मुझे पानी के 900 जहाज किराए पर लेने पड़े, 900 ships किराए पर लेकर मैंने वो संपत्ति उनमें भरी और उसको कलकत्ता से लंदन लेके आया। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो प्राइम मिनिस्टर था उसने पूछा कि ये शिप की बात कर रहे हो या बोट, नाव की बात कर रहे हो या जहाज की? उसने कहा, शिप की बात कर रहा हूं, नाव में नहीं भर के लाया, जहाज में भर के लाया। तो फिर उसको पूछा गया कि जहाज का आकार बताओ, कितना बड़ा जहाज, कितनी उसमें धन संपत्ति आ सकती है? तो उसने कहा कि एक जहाज में कम से कम 70 मीट्रिक टन सामान आ सकता है, ऐसे 900 जहाज भर के मैं संपत्ति लाया। 70 मीट्रिक टन का माने होता है 70,000 किलोग्राम, 1 मीट्रिक टन में 1,000 किलोग्राम। तो ऐसे 900 जहाज भर के सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात, मोती, पन्ना, माणिक, वो सब लूट कर ले गया एक अंग्रेज जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव ने लूटा, उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स ने लूटा इस देश को, फिर उसके बाद कर्जन ने लूटा, फिर लिलिथगो ने लूटा, फिर बेवेल ने लूटा, फिर इसके बाद डलहौजी ने लूटा, फिर विलियम वेंटिंग ने लूटा,
और आखिरी लुटेरा अंग्रेजों का जो इस देश में आया वो माउंट बेटन था। तो रॉबर्ट क्लाइव से लेके माउंट बेटन तक 84 गवर्नर जनरल इस देश में आए अंग्रेजों के, और हर एक ने लूटा। किसी ने 900 जहाज भर के, किसी ने 700 जहाज भर के, किसी ने 500, किसी ने 300, किसी ने 200, किसी ने 50, जैसी जिसकी क्षमता थी सब लूट कर ले गए इस देश को। और ये लूट इतनी बड़ी है कि दुनिया के किसी देश में इसका उदाहरण नहीं मिलता। और इस लूट का दुष्परिणाम था कि भारत एक जमाने में सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश अंग्रेजों की लूट के बाद कंगाल और भिखारी देश बन गया। अंग्रेजों ने ये जो लूट मचाई इस देश में, इस लूट का अंदाजा हम लोगों ने लगाया पिछले 15 साल में दस्तावेजों के आधार पर। अंग्रेजों ने इस देश में से लगभग 300 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति लूटी। 300 लाख करोड़ रुपए कितने होते हैं इसका अंदाजा लगाना हो तो भारत सरकार की एक पंचवार्षिक योजना 10 लाख करोड़ की होती है। एक पंचवार्षिक योजना जो 5 साल चलती है, और एक पंचवार्षिक योजना अगर 10 लाख करोड़ की है तो 30 पंचवार्षिक योजनाएं उस धन से इस देश में चलाई जा सकती हैं। इतना धन अंग्रेजों ने लूटा इस देश में, वो सब ले गए यहां से। उसमें हमारा खजाना खाली हो गया, हम कंगाल हो गए, गरीब हो गए। वरना अंग्रेजों के पहले तो ये देश दुनिया का सबसे अमीर देश था, सबसे श्रीमंत देश था। अंग्रेजों के दस्तावेज बताते हैं कि इस देश के बारे में जब अंग्रेज आए थे पहली बार, जब इस देश में उन्होंने प्रवेश किया तो अंग्रेजों ने बहुत सारे सर्वेक्षण कराए थे इस देश के, सर्वे जिसको आप कहते हैं। उनमें पता चलता है कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देश था अंग्रेजों के आने के पहले। पूरी दुनिया के बाजार में जितना सामान बिकता था उसका 33% माल अकेले भारत बेचता था। पूरी दुनिया में जो कुल उत्पादन होता था उसका 43% उत्पादन अकेले भारत में होता था, और पूरी दुनिया में जो कुल आमदनी होती थी उसका 27% आमदनी अकेले भारत की होती। कोई भी देश भारत के कंपटीशन में नहीं था उस समय। चीन नाम का एक देश था जो थोड़ा बहुत हमारा कंपटीशन करता था, लेकिन वो बहुत नीचे था। अब दुनिया के बाजार में 33% निर्यात करने वाला देश, दुनिया की कुल आमदनी का 27% अर्जित करने वाला देश, दुनिया के कुल उत्पादन का 43% उत्पादन करने वाला देश तो सोने की चिड़िया ही हो सकता है। और इस देश को सोने की चिड़िया इसलिए कहा गया, 3000 साल भारत के लोग दुनिया के दूसरे देशों में जाकर अपना सामान बेचा करते थे। 3000 साल हम नेट एक्सपोर्टिंग कंट्री हुआ करते थे। हमारा कपड़ा बिकता था, हमारा लोहा बिकता था, हमारे लोहे के बहुत सारे सामान बिकते थे। 36 तरह की वस्तुएं थी जिनका निर्यात इस देश से होता था। हम जो कपड़ा बनाते थे दुनिया के बाजारों में कैसे बिकता था आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। भारत में एक मलमल नाम का एक कपड़ा बनता था, सूरत में बनता था, मालवा में बनता था, दक्षिण भारत में कोयम्बतूर के आसपास बनता था। वो मलमल का कपड़ा जब दुनिया के बाजार में बिकने के लिए जाता था तो तराजू के एक पलड़े में वो कपड़ा रखा जाता था, दूसरे पलड़े में उसके भार के बराबर सोना रखा जाता था, तब वो कपड़ा बिकता था। कारण क्या था? हम अकेले थे जो वो कपड़ा बनाते थे, मोनोपोली थी हमारी पूरी दुनिया में उस कपड़े। तो हमने कपड़ा बेचकर सोना कमाया और वजन के बराबर। आज से 300-400 साल पहले तक कपड़ा बिकता था वजन से, अभी कपड़ा बिकता है मीटर से, 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर। 300 साल बिकता था आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, और जितने वजन का कपड़ा उतने वजन का सोना मिलता था। अब 3000 साल कपड़ा बेच बेच कर हम सोना कमाते रहे, इसलिए सोने का भंडार इस देश में बढ़ा। हम लोहा बेचते थे, सारी दुनिया के देश हमसे लोहा खरीदते थे। आपको सुनकर हैरानी होगी, स्टील बनाने की टेक्नोलॉजी सबसे पहले भारत में विकसित हुई 10वीं शताब्दी। कोई स्टील बनाना नहीं जानता तो दुनिया में हमने सबसे पहले स्टील बनाया, और वो स्टील हम बेचते थे दूसरे देशों को। ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस की सारी कंपनियां पानी का जहाज बनाने के लिए स्टील भारत से खरीदते थे, और भारत का स्टील खरीद कर जब वो जहाज बनाया करते थे, एक बहुत बड़ा फ्रांसीसी व्यक्ति था और एक बहुत बड़ा अंग्रेज, दोनों भारत में आए स्टील देखने के लिए कि भारत में स्टील क्या क्वालिटी का है।
तो यहां से कुछ स्टील वो खरीद के ले गए और उनकी लेबोरेटरी में टेस्ट किया तो पता चला उससे अच्छा स्टील कोई बनाता नहीं दुनिया। उन्होंने दो बातें कही, उन्होंने कहा भारत के स्टील में सबसे बड़ी क्वालिटी है कि ये रस्ट फ्री है, इसमें जंग नहीं लगता, कितने भी पानी में डाल के रखो। और दूसरी क्वालिटी ये है कि ये क्वालिटी में बहुत ऊंचा है। और तीसरी है कि ये सस्ता बहुत है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले यहां से स्टील खरीदते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने लिखा है कि भारत के स्टील से जो जहाज वो बनाते थे पानी का, वो जहाज कम से कम 65 से 70 साल चलता था और अंग्रेजी स्टील से जो जहाज बनाया जाता था वो 15 साल में ही टूट जाया करता। ईस्ट इंडिया कंपनी के कई अधिकारियों ने अपनी डायरियों में लिखा है कि हम भारत में जहाज खरीदने आते थे, नया जहाज खरीदने के पैसे नहीं होते थे तो पुराना खरीद के ले जाते थे, जो जहाज भारत में 50 साल चल चुका होता था उसको हम खरीदते थे और उस जहाज को रिपेयरिंग करके और 20-25 साल हम चलाते थे, इतनी अच्छी क्वालिटी का स्टील भारत में बनता। आप जानते हैं कि पानी का जहाज हमेशा पानी में रहता है, इसलिए उसमें जंग लगने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, लेकिन भारत के स्टील के जहाज 60 साल 70 साल 75 साल बिना जंग के काम करते थे, इस क्वालिटी का स्टील बनता था, इस क्वालिटी के जहाज बनते और सारी दुनिया में ये बिकते थे। उसके बदले में भी हमें सोना ही मिलता था, हम लोहा बेचते थे और सोना लेके आते थे, कपड़ा बेचते थे सोना लेके आते थे, ईंटें बनती हैं इस देश में, पतली ईंट बनती है जिससे हमारे किले बनाए गए हैं। भारत के सभी महापुरुषों के बनाए हुए किले को देखेंगे तो बहुत पतली ईंट के हैं जिनकी उम्र 500 से 1000 वर्ष है, वो किले में कहीं क्रैक नहीं है क्योंकि ईंट और जो कैल्शियम है चूना है उसके उपयोग से बनाए गए हैं। सीमेंट का कोई भी मकान दूसरे तीसरे साल में क्रैक आ जाता है क्योंकि सीमेंट की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, चूने की क्वालिटी इतनी अच्छी। चूना हम बनाते थे, ईंट बनाते थे, उसे बेचते थे, ऐसी 36 तरह की चीजें हम बना के बेचते थे, सब चीजों के बदले में सोना मिलता था क्योंकि उस समय एक्सचेंज जो होता था वस्तुओं का वो सोने से ही होता था। इसलिए हजारों साल दुनिया का सोना भारत में आया और वो सोना इतना आया कि हमने उसको अपने शरीर पर पहना, शरीर पर लादा, घर में सजावट के लिए इस्तेमाल किया, फिर भी बच गया तो हमने दान कर दिया और उसके मंदिर बन गए इस देश में। दुनिया में कहीं सोने की मस्जिद नहीं है, कहीं सोने का गिरजाघर नहीं है, इस देश में सोने के मंदिर हैं। अंग्रेजों के जमाने में तो 13,000 से ज्यादा थे। जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए और उन्होंने सर्वेक्षण किया तो उन्होंने लिस्ट बनाई है कि 13,780 सोने के मंदिर हैं भारत, और एक एक मंदिर के पास सैकड़ों मीट्रिक टन सोना होता था। अंग्रेजों के दस्तावेजों में दर्ज है गुरुवायूर का मंदिर केरल में, फिर उसके बाद तमिलनाडु के मंदिर, तंजौर के मंदिर, फिर उसके बाद हमारा तिरुपति बालाजी का मंदिर, ऐसे हिंदुस्तान में 13,000 से ज्यादा मंदिरों में टनों टन सोना लगा हुआ है। और अंग्रेज लिख रहे हैं कि इस सोने को ही लंदन ले जाना पड़े तो 1000 साल लगे, इतना धन संपत्ति इस देश में था। एक अंग्रेज आया इस देश में, उसका नाम था मैकॉले, टीबी मैकॉले, जिसने भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया पूरा। उस मैकॉले का एक भाषण का एक वाक्य सुनाता हूं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो एक भाषण दे रहा है 2 फरवरी 1835 को, और वो बोल रहा है आई हैव ट्रेवल्ड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस कंट्री इंडिया, मैंने संपूर्ण भारत देश को देख लिया, लेंथ एंड ब्रेथ माने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब जगह में भारत में घूम लिया। और वो कहता है कि आई हैव स्पेंड 17 ईयर्स कंटिन्यूस इन इंडिया, वो कहता है 17 साल में भारत में रहा, पूरा भारत मैंने घूमा, और घूमने के बाद वो कहता है आई हैव नॉट सीन अ सिंगल पर्सन हु इज ए बैगर एंड थीफ इन दिस कंट्री इंडिया। वो कहता है सारे भारत को घूमा मैंने, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 17 साल घूमा, एक भी आदमी पूरे भारत में मुझे ऐसा नहीं मिला जो भिखारी हो और चोर हो। क्यों? वो कहता है सच वेल्थ आई हैव सीन इन दिस कंट्री इंडिया, वो कहता है इतना धन और इतनी संपत्ति मैंने इस देश में देखी है कि कोई व्यक्ति इस देश में भिखारी हो ही नहीं सकता और चोरी कर ही नहीं सकता। चोरी कौन करेगा? जिसके पास संपत्ति नहीं। भिखारी कौन होगा? जिसके पास धन नहीं है।
वो कहता है एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास धन और संपत्ति ना हो, इसलिए कोई चोर नहीं है, कोई भिखारी नहीं। और अपने भाषण में वो कहता है कि भारत के 17 साल के प्रवास में मैंने एक भी घर नहीं देखा जहां ताला कोई लगाता। और ताला नहीं लगाते उसके पीछे कारण क्या है? चोरी का किसी को डर ही नहीं है। और चोरी का डर क्यों नहीं है? क्योंकि चोर नहीं है इस देश में। फिर वो कहता है कि भारत में इतना धन और इतनी संपत्ति है, एक एक घर में मैं कभी जाता हूं तो वहां सोने के सिक्कों का ढेर ऐसे लगा रहता है जैसे चने का ढेर होता है, गेहूं का ढेर होता है। एक एक घर में इतना सोना, एक एक घर में इतने सोने के सिक्के। वो कहता है इस देश को हम कभी भी गुलाम नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड से कई गुना ज्यादा पैसे वाला ये देश है। इसलिए इस देश को अगर गुलाम बनाना है तो लूटना पड़ेगा, पहले इस देश की संपत्ति को लेके जाना पड़ेगा लंदन। जब ये देश गरीब होगा तभी अंग्रेजों का गुलाम बनेगा, अन्यथा नहीं। ये उसका लंबा भाषण है। ये भाषण बताता है कि कितना पैसे वाला, कितना संपत्ति वाला, कितना समृद्धशाली देश था। फिर यही भाषण बताता है कि अंग्रेजों ने किस तरह से लूट मचाई इस देश की, जो आज दुनिया का सबसे गरीब देश हो गया। तो इस लूट के खिलाफ भारतवासियों का विद्रोह हुआ था 1857 में, और भारतवासियों ने अंग्रेजों को मार भगाने की कसम खाई हुई थी, और वो कसम उन्होंने पूरी की थी। 10 मई से विद्रोह शुरू हुआ, 1 सितंबर 1857 तक सारे अंग्रेज इस देश में मारे गए, एक भी जिंदा नहीं बचा। यूनियन जैक उनका हर जगह से उतर गया और हर जगह भारत के राजाओं के रियासतों के झंडे उस समय फहराने लगे। उस समय तिरंगा झंडा नहीं होता था इस देश में, हर राज्य के अपने अपने झंडे हुआ करते थे। सतारा राज्य का अपना झंडा था, ये कोल्हापुर रियासत थी इसका अपना झंडा था, पुणे रियासत का अपना झंडा था, सभी राज्यों के झंडे इस देश में थे। यूनियन जैक खत्म हो चुका था। उस स्थिति में अंग्रेजों ने जब बहस की ब्रिटिश पार्लियामेंट में और ये कहा कि हमें भारत में फिर से जाना है और भारत को फिर से लूटना है, तो कैसे संभव है? तो जो अधिकारी जिंदा बचकर यहां से लंदन वापस गए थे तो उन्होंने कहा ये एक ही रास्ते से संभव है कि भारत के कुछ राजा, भारत की कुछ रियासतें अगर अंग्रेजों की मदद करें तभी अंग्रेज दोबारा भारत में जा सकते हैं। फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस हुई कि कौन कौन से राजा हैं भारत में जो अंग्रेजों की मदद कर सकते हैं, कौन कौन सी रियासतें हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं। तो अंग्रेजों की संसद में एक सूची बनाई गई, उस सूची में सबसे पहला नाम सिंधिया परिवार, सबसे पहला ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबसे पहला नाम आया। और सिंधिया परिवार के बारे में अंग्रेज अधिकारियों ने कहना शुरू किया कि ये तो इतना अच्छा परिवार है हमारे लिए, हम इन पे हमेशा भरोसा कर सकते हैं। एक अंग्रेज कह रहा है कि हम अपने पे जितना भरोसा नहीं कर सकते उससे ज्यादा सिंधिया परिवार पे भरोसा कर सकते हैं, इस परिवार की हमें जरूर मदद मिलेगी, हमें भारत वापस चलना चाहिए। दूसरे परिवार का नाम आया ब्रिटिश पार्लियामेंट में जिससे अंग्रेजों को बहुत मदद मिले, पटियाला राजघराना। आप जानते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम आपने सुना है, जो पंजाब का मुख्यमंत्री रहा, वो उसी राजघराने का है, पटियाला राजघराना। दूसरा नाम उनका आया। तीसरा नाम आया जींद के एक राजा का, हरियाणा में एक रियासत हुआ करती थी जींद, वहां के राजा का नाम था। चौथा नाम आया हैदराबाद के निजाम का, सालार जंग का। ऐसे करके अंग्रेजों ने 20-25 नाम छांटे। इनके नाम ब्रिटिश पार्लियामेंट में दर्ज हैं, बहस में दर्ज हैं कि ये वो परिवार हैं जिनसे हमको मदद मिलेगी। फिर इन सब परिवारों को अंग्रेज सरकार की चिट्ठी आई, वो चिट्ठी की कॉपी भी वहां रखी हुई है जिसमें लिखा गया कि आपने हमेशा अंग्रेजों की मदद की है, अब फिर हमारी मदद कीजिए, हम भारत को फिर से आना चाहते हैं लूटने के लिए, गुलाम बनाने के लिए। तो इन परिवारों की तरफ से जो चिट्ठियां गई वो बहुत ही शर्मनाक है। सिंधिया परिवार से चिट्ठी गई, उसमें कहा गया कि हम तो हमेशा से आपके, आप बिल्कुल शक मत करिए, आप वापस आइए इस देश में, हम आपको अपनी सेना देंगे, पैसे देंगे, आपको जो चाहिए वो मदद करें। ये जो हैदराबाद का निजाम था इसने चिट्ठी भेजी, उसने कहा मेरी पूरी सेना आपके लिए है, मेरा पूरा खजाना आपके लिए। जींद के राजा ने कहा सब कुछ मैं आपको न्यौछावर कर दूंगा। तो ऐसे 20-25 राजघराने इस देश में निकले
जिन्होंने अंग्रेजों को मदद करने की कसम खाई और उनकी मदद से अंग्रेज दोबारा इस देश में आए और दोबारा फिर इस देश के क्रांतिकारियों को उन्होंने कत्लेआम किया भारत के कुछ राजाओं की सेना की मदद से, और वो कत्लेआम करने के बाद इस देश पर फिर से अंग्रेजों का राज्य स्थापित किया उन्होंने। और दूसरी बार जब राज्य स्थापित किया तो वो कंपनी का नहीं था, अंग्रेज सरकार का राज्य स्थापित किया। उसके पहले इस देश में 100 साल कंपनी का राज चला ईस्ट इंडिया का, उसके बाद अंग्रेजी सरकार की स्थापना हो गई इस देश में। और जब अंग्रेज सरकार फिर से बन गई इस देश में, तब बहस हुई ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि अब हमें भारत में कुछ भी करना है तो कानून बना के करना है। अब तक हम बिना कानून बनाए काम करते थे, अब जो करेंगे वो कानून बनाकर करेंगे। क्यों? तो अंग्रेजों ने आपस में एक दूसरे को कन्विंस किया, वो ये कि दुनिया का कोई भी देश जब भी हमसे कहेगा कि आप भारत को लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो हम जवाब देंगे हम तो भारत में कानून का शासन स्थापित कर रहे हैं। अब उसमें भारत की लूट होती है तो हम क्या करें? अंग्रेजों की चालाकी देखिए कि आपको सीधे लूटेंगे तो बदनामी होगी, कानून बना देंगे लूटने का तो बदनामी नहीं होगी, लूटना तो आपको है ही। इसको ऐसे समझिए कि कोई आपकी जेब काटे तो आप चिल्लाओगे मेरी क्यों जेब काट रहा है, फिर अगर वो जेब काटने का कानून बन जाए इस देश में और कोई व्यक्ति जेब काटे तब आप क्या चिल्लाओगे? कानून बन गया, वो तो कानून का पालन हो रहा है भले आपकी जेब कटे उसमें। तो अंग्रेजों की संसद ने जो कानून सबसे पहले बनाए, वो कानूनों के बारे में कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों की संसद में पहली बहस हुई कि 1857 की लड़ाई में भारत ने जो क्रांति की है उसमें पैसा कहां से आया, क्योंकि उस समय की क्रांति में करीब 480 कोटी रुपए खर्च हुए, 480 करोड़ रुपए खर्च हुए 1857 की क्रांति, और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। अगर इसको आज के हिसाब से समझना हो तो 300 का इसमें गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि रुपए का अवमूल्यन उतना हो चुका है तब से। इतनी बड़ी रकम इकट्ठी हुई थी 1857 की क्रांति में पूरे देश में। तो अंग्रेजों ने इस पर बहस की कि ये पैसा दिया किसने, तो अंग्रेजों के कुछ अधिकारियों ने कहा कि उद्योगपतियों ने दिया, व्यापारियों ने दिया, किसानों ने दिया, कारीगरों ने दिया, ये सब लोगों ने पैसा इकट्ठा करके क्रांतिकारियों को दिया। तब अंग्रेजों ने तय किया कि अब भारत में ऐसा कानून बना दो कि आगे कभी भी किसी क्रांतिकारी को लोग पैसा ना दे पाए और लोगों के हाथ में पैसा रहने ही नहीं पाए, सारे पैसे उनके हाथ से छीन लो। तो भारत के लोगों से पैसे छीनने के लिए, धन छीनने के लिए सबसे पहला कानून इस देश में बना, उसका नाम है इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। और अंग्रेजों ने जब ये कानून बनाया तो आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि इंडियन इनकम टैक्स एक्ट जब उन्होंने बनाया 1860 में और इसको लागू किया पूरे देश में, तो रकम कितनी छीननी है, धन कितना छीनना है, तो अंग्रेजों ने कहा 97%। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तय किया, माने कोई हिंदुस्तानी 100 रुपए कमा रहा है किसी भी व्यापार से तो उसमें से 97 रुपए इनकम टैक्स में ले लेना है, माने उसके पास सिर्फ 3 रुपए बचेंगे। फिर अंग्रेजों ने एक दूसरा कानून बनाया कि कोई कमाई करेगा तो कमाई तो तब करेगा जब कुछ सामान पैदा करेगा, उत्पादन करेगा, तो उत्पादन पर कर लेना है उनसे, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और ये अंग्रेजों ने लगाई 350%। 100 रुपए का सामान पैदा करो तो 350 रुपए अंग्रेजों को दो टैक्स में। फिर अंग्रेजों ने तय किया कि कोई व्यक्ति सामान बनाएगा तो बेचेगा जरूर, तो बेचने पर उससे टैक्स लेना है, तो उन्होंने एक टैक्स बना दिया सेंट्रल सेल्स टैक्स, केंद्रीय बिक्री कर, वो 180% से 250% होता था। फिर अंग्रेजों ने तय किया कि सामान बनाएगा तो कर भरेगा, बेचेगा तो टैक्स देगा, बेचकर मुनाफा कमाएगा तो टैक्स देगा, सामान को बेचने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाएगा फिर टैक्स लेना उसे। तो वो टैक्स क्या क्या है? अंग्रेजों की बनाई गई सड़क पर से जाएगा तो रोड टैक्स लेना, अंग्रेजों के बनाए गए पुल से जाएगा तो टोल टैक्स लेना, जिस गांव में सामान बनाएगा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स लेना, ऐसे कर करके उन्होंने सारे टैक्स के कानून ला दिए। उद्देश्य क्या था? एक ही उद्देश्य,
भारतवासियों से पैसे छीनने हैं, भारतवासियों से धन छीनना है, संपत्ति छीननी है और उसको लंदन लेके जाना है। जब ये कानून लागू हो गए, इंडियन इनकम टैक्स आ गया, सेंट्रल एक्साइज आ गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स आ गया, रोड टैक्स आ गया, टोल टैक्स आ गया, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का टैक्स आ गया, बीसियों तरह के टैक्स उन्होंने लगा दिए, तब लूट और ज्यादा हो गई इस देश की। और उस लूट का दुष्परिणाम ये निकला कि धन तो सारा लंदन चला गया, इस देश के सारे उद्योग खत्म हो गए। क्योंकि किसी उद्योग पर आप 350% एक्साइज ड्यूटी लगा दोगे तो कितना महंगा कर दिया आपने उस सामान, फिर सेल्स टैक्स लगा दोगे, फिर इनकम टैक्स ले लोगे, फिर रोड टैक्स ले लोगे, फिर टोल टैक्स ले लोगे। अल्टीमेटली दुष्परिणाम ये हुआ कि भारत की वस्तुएं महंगी होती गई और वो वस्तुएं बाजार में बिकना कम होती गई, तो भारत का एक्सपोर्ट खत्म हो गया, निर्यात खत्म हुआ, तो दूसरे देशों से जो सोना चांदी आता था वो बंद हो गया और धीरे धीरे आमदनी इस देश की घटती गई, घटती गई, घटती गई। आज भारत की हैसियत दुनिया में ऐसी है कि 200 देशों में सबसे गरीब देशों में भारत का नंबर आता है। आज से थोड़े साल पहले तक दुनिया के 200 देशों में सबसे अमीर देशों में भारत का पहला नंबर आता था। इतना परिवर्तन हो गया। अब मैं कहना चाहता हूं आज की बात कि अंग्रेजों ने तो इनकम टैक्स लगाया, सेंट्रल एक्साइज लगाया, टोल टैक्स लगाया, रोड टैक्स लगाया, हाउस टैक्स लगाया, कॉरपोरेशन टैक्स लगाया, सारा धन लूट के लंदन ले जाने के लिए। वो विदेशी थे, लूट का सारा धन लंदन लेके जाना है, ये उनका घोषित उद्देश्य था। वो कोई सेवा करने नहीं आए थे इस देश में, कोई धर्मादा खाता खोलने नहीं आए थे। अब होना क्या चाहिए था, 15 अगस्त 1947 को आजादी आई, तो आजादी आते ही लूट के जितने कानून अंग्रेजों ने बनाए टैक्सेशन के नाम पर, वो सब खत्म होने चाहिए थे, सब कानून जला देने चाहिए थे। लेकिन आजादी के 62-63 साल के बाद भी वो सारे कानून लगे हुए हैं इस देश में। इनकम टैक्स भी है, सेंट्रल एक्साइज टैक्स भी है, सेल्स टैक्स भी है, बस नाम बदल गया है, वैल्यू एडेड टैक्स, रोड टैक्स भी है, टोल टैक्स भी है, कॉरपोरेशन का टैक्स है, हाउस टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है। बस अंतर इतना है कि गोरे अंग्रेजों ने जो टैक्स लगाए थे वो 23 थे, काले अंग्रेजों ने जो टैक्स लगा रखे हैं वो 64 है, 64। गोरे अंग्रेज लूट लूट के सारा धन टैक्स के माध्यम से लंदन में जमा कर रहे थे, ये काले अंग्रेज आपसे धन लूट लूट कर स्विट्जरलैंड में जमा कर रहे हैं। देश में कोई बहुत परिवर्तन नहीं आया। आप सोचिए, अंग्रेज लूटे 23 टैक्स लगा के, अंग्रेजों के बाद की सरकार आपको लूटे 64 टैक्स लगा के, और फिर भी पेट ना भरे सरकार का, हर साल एक नया टैक्स, हर साल एक नया टैक्स, हर साल। अंग्रेजों ने कभी जिंदगी में सर्विस टैक्स नहीं लगाया इस देश में, काले अंग्रेजों ने लगा दिया सर्विस टैक्स, माने सेवा करना भी अब टैक्स भर के। पहले तो भारत में कहा जाता है कि भारत सेवा करने वालों का देश है, जो भी सेवा करें उनको टैक्स भी भरना पड़े इस देश में। और ये काले अंग्रेज तो इतने खतरनाक हैं कि गोरे अंग्रेज साल में अंतिम समय टैक्स वसूला करते थे, ये काले अंग्रेज तो एडवांस में ही पूरा टैक्स वसूलते हैं आपसे। आप गाड़ी खरीदने जाइए चार पहिए की, तो खरीदते समय पूरी जिंदगी भर का रोड टैक्स आपसे ले लेंगे। चाहे गाड़ी आप 6 महीने चला के उसको तोड़ दें, फोड़ दें, वो टूट जाए, उनको लेना देना नहीं, पूरी जिंदगी भर का टैक्स आपसे ले लेंगे। तो एक बार रोड टैक्स ले लिया, अब उस गाड़ी को लेकर जब सड़क पर चलेंगे तो हर 50 किलोमीटर पर टोल टैक्स अलग से लेंगे। इतने हरामी और बेईमान है ये काले अंग्रेज। हम पैसे देते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को टैक्स के रूप में, ताकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हमको सुविधा दे उस पैसे से। मुझे अभी पता चला कि कोल्हापुर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को 100 करोड़ का जो आप टैक्स देते हैं, उस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक 48 किलोमीटर की सड़क बनाने का ठेका दे दिया है किसी को 233 करोड़ में, 270 करोड़ में 48 किलोमीटर की सड़क बन रही है। ये बन के तैयार हो जाएगी तो आपसे टोल टैक्स लेने की तैयारी चल रही है, आपके टैक्स के पैसे हैं।
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास और पैसा आएगा कहां से? आपने टैक्स दे दिया एक बार कॉरपोरेशन को, पेट भर जाना चाहिए उनका, वो नहीं।